हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के हमने अब तक पॉइंटर तक कंप्लीट कर लिया था। फंक्शन के दो पार्ट हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, फंक्शन की। पहले हमने सिंपल किया था, फिर उसके टाइप किए थे। टाइप के अंदर नो रिटर्न, नो आर्गूमेंट, ठीक है, फिर विद रिटर्न नो आर्गूमेंट किया था। आज हम जो फंक्शन का यूज करने जा रहे हैं, विद रिटर्न विद आर्गूमेंट और नो रिटर्न विद आर्गूमेंट। तो सबसे पहले जो टाइप करेंगे आज अभी इस वीडियो के अंदर, वो रहेगा हमारा नो रिटर्न विद आर्गूमेंट रहेगा। तो उसका हम कैसे यूज करते हैं, क्या फायदे हैं उसके, वो देखो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से ओपन करते हैं, ये पुराने वाला फंक्शन है, तो इसको सेव कर दिया और नई फाइल आप ओपन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर ली हमने, यहाँ से फंक्शन का टाइप, ठीक है, फंक्शन पार्ट 19, पार्ट 3 कर देते हैं 20, और पार्ट कर देते हैं अपन 3 और सेव। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले आर्गुमेंट की बात करें अगर हम, तो आर्गुमेंट का मतलब होता है जो ब्रैकेट होती थी ना फंक्शन के नाम के आगे, उनके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू डालनी है, ताकि हमारा प्रोग्राम है वो क्या रहे, थोड़ा सा फास्ट हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमें इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू डालनी है, उस चीज के लिए हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। अब एक ही वेरिएबल का आप 3 बार यूज कर सकते हो, अलग अलग 5 मतलब एक ही वेरिएबल का आप अलग अलग 5 फंक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस सब कुछ करना है, ठीक, अलग अलग फंक्शन के अंदर 2 ही वैल्यू को बार बार यूज करनी है, तो वो कर सकते हैं हम, तो बहुत इजी हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे, देखो इसके अंदर एक प्रोग्राम से समझाता हूँ छोटे से, कि आर्गुमेंट हम कैसे पास करते हैं, ठीक है। और आपने क्या किया है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। फिर आपने क्या डिक्लेयर किया फंक्शन को, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट void, ठीक है, void आपने मान लीजिए ले लिया सम नाम से ले लिया, और उसमें आपने पास कर दिया एक वैल्यू a कोमा b, 2 वैल्यू इसमें पास कर दिया आपने, ठीक है, 2 वैल्यू आपने यहाँ पे पास कर दी फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये बन गए आर्गुमेंट अब, ठीक है, क्या बन गए, आर्गुमेंट्स डिक्लेयर कर दिया। अब मेन फंक्शन में चले जाओ, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे इसके अंदर कि उस फंक्शन का यूज कैसे करें, void sum, void sum में इंटीजर में a कोमा इंटीजर में b आपने यूज किया। अब जरूर नहीं है कि यहाँ पे a b है तो यहाँ पे भी a b आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे x y भी आ सकता है, ये होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, और ये इस मेन के अंदर आएगा वो होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। और यहाँ पे अगर आपने ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो स्पेस डिक्लेयर करना है कि मेरे को 2 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन करके ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, और आगे वेरिएबल यूज करना जरूरी है क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली जस्ट सिंपली आपने क्या किया, इंटीजर में आपने रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी आपने कर दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट ए प्लस बी कर दिया ना, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे कि आपने क्या किया, प्रिंट ऑफ कर दिया, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ में आपने सम इज आपने लिखा मॉडुलर डी, सम आपने लिखा और मॉडुलर डी आपके पास आ गया और रिजल्ट, ठीक है, सम इज दिस मॉडुलर डी एंड रिजल्ट आपके पास आ चुका है, बस इतना सा काम करना था। अब आपको वेरिएबल देखो, ए और बी का हमने कहीं स्कैन नहीं किया, आपके पास सम भी हो गया और रिजल्ट आ गया, बट अब इनपुट तो करवानी पड़ेगी, वैल्यू कहाँ पे देनी है, तो वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए मेन में जाना पड़ेगा। आपने क्या किया, ठीक है, सिंपल भाषा में बात बताऊं, सम के अंदर 2 वैल्यू पास करनी है आपको, सम को कॉल किया, पहली वैल्यू ये, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू,
ठीक है, जो 34 है, 34 है वो तो मिल गया इसको ए को, 56 है वो मिल गया बी को, इन दोनों को जोड़ दिया और रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। देखें ये देखो 90 आ गया आपके पास, 90, ये देखो रिजल्ट आपके पास आ गया 90। ठीक है, तो ये कितना इजी हो जाता है कि आपको सिर्फ काम करना है, आपके पास आर्गुमेंट है, जस्ट डू द फॉर्मूला एंड प्रिंट द मैसेज, और बाकी का काम किसका रहेगा, मेन फंक्शन का रहेगा। क्लियर, बाकी काम किसका रहेगा, मेन फंक्शन का रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट पास कर सकते हो। आर्गुमेंट पास करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ये चीज है आपके पास और इसका प्रिंट हो चुका है। पहले इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा और एग्जाम्पल बनाएंगे इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो आपने इसको नोट कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं तो मेरी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे दूंगा, ये जितनी बार भी रन करूंगा ना 90 आएगा, ये देखो कितनी बार भी रन कर ले 90 आएगा। ठीक है, बट मैं कहता हूं कि मेरी मर्जी से होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर में यहाँ पे x और y आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर x और y अपन क्या कर दिए, दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब मैंने प्रिंटअप में बोला यहाँ पे एंटर टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर एंटर करवा दे। ठीक है, स्कैनअप में गए, मॉडुलर डी कोमा एक्स कोमा वाई, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने क्या किया, सम एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, ठीक है, जो x के पास वैल्यू वो a की होगी, y के पास वैल्यू वो b की होगी, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा करेक्टली। रन करें तो ये देखो आपसे दो वैल्यू पूछ रहे हैं, आपने बोल दिया ले भाई वैल्यू दो, 8 और 4 वैल्यू डाली, 12 आपके पास प्रिंट आ गया, तो कितना इजी हो गया। ये देखो यहाँ पे ये भी आप नोट की कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। अब बात आती है आपके पास कि आपको क्या करवाना है, 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है। ठीक है, 1 to 10 या फिर कोई फैक्टोरियल या फिर कोई टेबल प्रिंट करवानी है, तो वो कैसे करवाएंगे, ठीक है, वो देखो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, पूरा नया बनाऊंगा ताकि आप दोबारा से देखो और समझो। मान लीजिए मैंने बोला कोई नंबर डालूं उसकी टेबल प्रिंट हो जाए, दैट्स इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो void table, एक ही टेबल चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया खाली बस। ठीक है, मेन में गया, मेन आ गया, अब आप आ गए void table, यहां पे फंक्शन आ गया, उसके अंदर हमने पास कर दिया इंटीजर में नंबर, क्योंकि हमें नंबर कोई भी एक चाहिए। ठीक है, नंबर हमारा फिक्स हो गया 5, 10 जो भी डालेंगे आप इनपुट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, उसके बाद आती है बात यहाँ पे कि आपको करना क्या है, इंटीजर में आई लेना है लूप के लिए, टेबल प्रिंट होनी चाहिए, एक टी वेरिएबल ले लिया आपने, ठीक है, टेबल इसमें आ जाएगी सारी सारी, और आपने यहाँ पे लूप चला दिया, क्योंकि टेबल 10 तक होती है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर गुणा में 6, 5 कर लो, 20 कर लो, कितना भी कर लो, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 to 10 तक लूप चलाया, ठीक है, आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद टी के पास क्या आ जाए, टी के पास वो वैल्यू आए जो आई की मल्टीप्लाई करेगा नंबर से, आई क्या है 1 है, नंबर क्या है 7 है, 7 एकम 7 टी में चला गया, अब जस्ट उसको प्रिंट करवा देना है, जस्ट ही टी को प्रिंट करवा देना ताकि अगली वैल्यू को वो रख सके। ठीक है, प्रीवियस तो डिलीट हो जाएगी, अब राइट हो जाएगी, इसलिए अपन क्या किया यहाँ पे, जस्ट ही हमने क्या किया मॉडुलर डी करके अपा ने उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जो करंट वैल्यू होगी, उसको सलेशन दे दो यहाँ पे ताकि आपका प्रोग्राम है वो नीचे की साइड चले ऐसे। तो ये है, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्या है, गार्बेज वैल्यू नंबर, लेकिन टेबल के अंदर कोई हमने आर्गूमेंट पास किया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
वो आर्गुमेंट यहाँ पे दे देंगे। तीन दे दिया मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए तीन दे दिया, तो तीन की टेबल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18 जो भी है। ठीक है, आपने कहा मैंने दे दिया 365 की टेबल आपके पास आ जाएगी। ये देखो, कोई भी टेबल आप इनपुट करवा सकते हो फंक्शन का, इजी काम हो गया। अब मान लीजिए एक ही प्रोग्राम में आपको बोल दिया जाए कि एक ही प्रोग्राम में आपको फैक्टोरियल निकालना है, टेबल प्रिंट करवानी है, पावर निकालनी है, ये है वो है, सब कुछ आपको अप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन बना देंगे और उनको अलग अलग कॉल कर देंगे, तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, ओके। अब आपने कहा कि मेरे को 365 की जगह कोई वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे इंटीजर में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसको स्कैन करवा दो, मॉड्यूलर डी और नंबर स्कैन करवा दिया, ठीक है, और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे डाल दो, ताकि जो भी होगा उसको एक्सेस कर लेगा ये। ये देखो, आपने कहा मेरे को 8 की टेबल चाहिए, 8 की टेबल आ गई, ये देखो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो टेबल्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक आपको क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं हम यहां पे एक फंक्शन के थ्रू, मैं आपको पावर भी निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। पावर हम कैसे निकालेंगे, ए की पावर बी कैसे निकालेंगे, वो प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे रिटर्न टाइप सीख लेते हैं। रिटर्न टाइप से हम पावर निकालनी सीखेंगे और फैक्टोरियल निकालना भी सीखेंगे रिटर्न टाइप से। तो ये प्रोग्राम छोटा सा है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, टेबल का प्रोग्राम था, तो एग्जाम में आपसे पास आ सकता है ये। ठीक है, आपने नोट कर लिया इसको, चलो अब बताते हैं, हम बात करते हैं रिटर्न टाइप की। ठीक है, तो रिटर्न टाइप का अच्छा यूज है भाई प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। रिटर्न टाइप का मतलब यही है, आपको बताया था लास्ट टाइम की लास्ट वीडियो में हमने किया था कि वैल्यू को कहीं से कहीं तक भी आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं। तो अब विद रिटर्न विद आर्गुमेंट का प्रोग्राम कैसे बनेगा वो देखिए, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। आपने क्या किया, यहाँ पे विद रिटर्न चाहिए, आपने इंटीजर ले लिया, ठीक है, आपने इंटीजर ले लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट ले लिया, फैक्टोरियल आपने ले लिया। अब आर्गुमेंट चाहिए, उसमें आपने इंटीजर में कोई आर्गुमेंट पास कर दिया, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है मेन फंक्शन, मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, बाद में उसके ऊपर मैं काम कर लूंगा, ठीक है, यहां तक। अब मेरे को यहां पर क्या करना है, इंटीजर रिटर्न टाइप है मेरा फैक्टोरियल, फैक्ट फैक्टोरियल आपने पास कर दिया इंटीजर में कोई भी नंबर, आपको फैक्टोरियल चाहिए इसलिए नंबर तो चाहिए चाहिए। तो अब आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, रिटर्न टाइप करना है, रिजल्ट जो निकलेगा उसको रिटर्न करवाना है, इतने वही प्रोग्राम करते रहना है, ठीक है। तो आपने इंटीजर में आई ले लिया और एक एफ ले लिया, एफ की वैल्यू 1 पास कर दी क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है, 0 करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपने फोर लूप चलाया, यहाँ पे आई इक्वल टू नंबर, I greater than equal to 1, I minus minus, ठीक है, क्लियर। फिर यहां पे आपने क्या किया, f equal to f into I, तो वो फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना, रिजल्ट आ गया आपके पास, रिटर्न कर देना है अपन रिजल्ट को यहां से, क्योंकि रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, ये है, और रिटर्न हमने क्या कर दिया यहां से, ये f को रिटर्न कर दिया। जैसे ही आपने एफ को रिटर्न किया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, फैक्ट नाम से अपन कोई वेरिएबल ले लिया, फैक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास रिजल्ट के अंदर थी, जो रिजल्ट आया है वो, और वो कैसे आएगी, पहले उस फंक्शन का नाम लिखो जिसके थ्रू वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर आपको वो लिखना है जो वैल्यू का प्रिंट चाहिए था, नंबर 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना था, 5 लिख दिया आपने, और वो 5 किस में चला गया, यहाँ पे आ गया फैक्ट के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे जस्ट प्रिंट ऑफ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल इज जो आपने देना था, और आपने यहाँ पे क्या किया, फैक्ट पास कर दिया, ताकि जो फैक्टोरियल के अंदर जो रिजल्ट है फैक्ट का
वो आपके पास आ जाएगा। और यहां से अपन रन कर देते हैं कंट्रोल एस करके रन, ये देखो 120 आपके पास डायरेक्ट आ गया। अब आपने कहा मेरे को तो इनपुट करवाना है, तो नो प्रॉब्लम, इनपुट भी हम करवा सकते हैं यहाँ पे। इंटीजर फैक्ट है, एक नंबर और ले लिया आपने, ठीक है। नंबर के अंदर गए आप और आपने क्या किया, प्रिंट अप में लिखा एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको इनपुट करवाना है, स्कैन भी करना है। स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो आपका वेरिएबल था वो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ताकि ये वैल्यू यहाँ से उठाए और यहाँ पे काम करे। ये देखो अब आपसे पूछा कोई भी नंबर, आपने बोला चार, चार का फैक्टोरियल ये, पाँच सात जो भी लिखना है, मतलब आपकी मर्जी है जितना आपको पता है। आपने सात का फैक्टोरियल देखना है, सात का फैक्टोरियल ये आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट का यूज करके आप फैक्टोरियल वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको नोट करो यहां तक, ये नोट कर लो पूरा, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट। चलो आपने ये नोट कर लिया प्रोग्राम, उसके बाद पावर निकालने बताता हूं कि फंक्शन के थ्रू हम पावर कैसे निकालेंगे। यानी कि दो, एक पावर का फंक्शन भी होता है जो मैथ के अंदर होता है, मैथ जब टॉपिक करेंगे मैथ का उसमें पावर का फंक्शन आएगा, इनबिल्ट होता है, एक स्टेटमेंट में पावर निकल जाती है। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के हम पावर निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो हमने क्या करना, देखो फॉर लूप लगेगा इसमें, ठीक बात है। आपने क्या किया, इंटीजर में पावर लिखा, इंटीजर एक वैल्यू इंटीजर दो वैल्यू, क्योंकि एक ही पावर भी होती है, दो आर्गुमेंट अपने पास रख लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद आता है इंटीजर पावर, ठीक है। इंटीजर में एक ही पावर बी, ये लिख दिया मैंने। अब देखो पावर होती है ना उतनी बार मल्टीप्लाई होता है उसका बेस का, ये आपको पता ही है। तो सीधी ही बात है, हमें करना क्या है, जितनी बार मल्टीप्लाई होगी जितनी बार बी चलेगा, ठीक है। तो इंटीजर में अपन एक वेरिएबल ले लिया पी और एक ले लिया आई, पी क्या मल्टीप्लाई करवाएगा, तो पी की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी वन, ये कन्फर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई होनी है इसलिए। अब फोर लूप चलाया आपने, फोर लूप कहाँ तक चलेगा, पावर कहाँ तक है वहां तक चलेगा, I इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू बी और I प्लस प्लस, ठीक है। जहां तक पावर चलेगी वहां तक लूप चलेगा, ठीक है। मान लीजिए a की पावर b, यानी कि दो की पावर तीन, तीन बार चलेगा b, ठीक है। और a को तीन बार गुणा करेगा, a गुणा a गुणा a गुणा, तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने p के पास क्या है वन है, और p की गुणा कर देते हैं a से, तो क्या होगा, तीन बार गुणा हो जाएगी क्योंकि b तक लूप चलेगा, ठीक है। और जो रिजल्ट मिला है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे p का। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आगे बात समझ में। चलो अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे अपन है दो वेरिएबल लेने हैं इंटीजर में, a और b ले लेता हूँ, और एक रिजल्ट मिला है अपन ने p नाम से, p ले लिया या पावर ले लिया मैंने, ठीक है ओके। प्रिंटअप में बोल दिया, पहले तो बोल दिया मैंने एंटर a, सिर्फ आपको एंटर a करवाना है, ठीक है। स्कैन करवा दो उसको, मॉडलर डी कोमा ए, ठीक है। प्रिंट ऑफ एंटर बी, ठीक है। स्कैन ऑफ मॉडलर डी, और आपने क्या किया यहां पे बी को स्कैन करवा दिया, क्लियर। अब पावर जो रिजल्ट मिल रहा है आपको इसके अंदर है, ठीक है, इक्वल टू पावर, पावर के अंदर कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू बी की, वो आ गई। और प्रिंट आप इसको करवा देंगे यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपका, उसको क्या है पावर, ए की पावर बी
ये रिजल्ट मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पावर निकाल सकते हो, एक ही पावर में रन करके देखें, कंट्रोलस और रन कर दिया, एक ही पावर भी, दो की पावर तीन। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है 8 का। तो ये आपका एक पूरा प्रोग्राम बन चुका है पावर का। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप लोग पूछ लेना इसके अंदर। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।